व रहमतुल्लाहि व वर्कू प्यारे बच्चों आज की इस संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम का अपनी दिल की अमी गहराइयों से इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ अंदाज बयां, गरचे बहुत शोख नहीं है अंदाज बयां, गरचे बहुत शोख नहीं है शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात आज की इस संवेदा ई क्लास प्रोग्राम में हम खतूत और जाव्य की अगली कड़ी पर रोशनी डालेंगे लाइंस एंड एंगल्स के पार टू पर आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है नुक्ते की तारीफ़ के मुतालिक हमने मालूम हासिल की फिर खत और कता ख़त में क्या फ़र्क़ है इसके मुतालिक हमने बहुत सारी मालूम हासिल की हैं विगज़ाम्पल्स मिसालों के ज़रिए फिर शुआ और जावे से मुतालिक हमने मालूम हासिल की, जावियों की अकसाम क्या हैं उसके मुतालिक हमने मालूम हासिल की इतमाईजाव्य क्या हैं उसकी तारीफ और उस पर मबनी चंद मिसालें हमने हल की तो प्यारे बच्चों हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके मुतालिक मैं आपसे चंद सवाल करूंगा। देखिए बच्चों अपना अपने सबक का आगाज करने से पहले हम एक सरगर्मी को अंजाम देते हुए आगे बढ़ेंगे अब आप तमाम मेरे साथ इस तरह से सल्यूट कीजिए अच्छी बात है तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब हम सल्यूट करते हैं तो कोहनी पर एक जाविया यहाँ पर बनता हुआ हमें नज़र आता है तो ये कोहनी पर बनने वाला जाविया ये कौन सा जाविया है वेरी गुड ये ज़ाविया हादा है जब हम अपने हाथ को इस तरह रखते हैं तो देखिए यहां पर ये जो बाजू है मेरा इस बाजू पर ये जो हिस्सा है हाथ का ये इस पर उमूदन खड़ा हुआ है और यहाँ पर नव्व दर्जे का ज़ाविया बनता है नौ दर्जे का जाविया यहाँ पर बनता है तो ऐसे ज़ाविया को हम क्या कहेंगे वेरी गुड ऐसे जावे को हम नव्वद दर्जे का जाव्या जो है उसको हम जाव्या कायमा कहते हैं ठीक है अब यहां पर देखो अपने हाथ को इस तरह ले जाइए आप एस अब यहां पर देखिए ये ये जो है ना ये ये नुकता है जहां पर ये शुआ और ये शुआ मिल रही है दो शुआओं के इतिहाद से यहाँ पर ये जो जाविया बन रहा है ये जाव्या कितने दर्जे का है जी नौ दर्जे से ज्यादा है और 180 डिग्री दर्जे से कम है तो ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज्यादा हो और 180 डिग्री दर्जे से कम हो वो कौन सा जाविया है बहुत हो ये जावया मुनफरजा है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं आप स्क्रीन पर देखिए यहाँ पर शक्ल नंबर एक में आपको दो जावे नज़र आते हैं एक जाव्या कितने दर्जे का है शबाश साठ दर्जे, 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 तो दर्जे, दर्जे का है और दूसरा जाव्या कितने दर्जे का है 120 डिग्री दर्जे का है वेरी गुड तो अब यहाँ पर देखिए दूसरी शक्ल दूसरी शक्ल में एक जाव्या कितने दर्जे का है अड़सठ दर्जे का है और दूसरा जावे कितने दर्जे का है 112 डिग्री दर्जे का है तो अब आपको यहाँ पर सोचना है और मुझे बताना है क्या सोचेंगे आप ये जो दिए गए जाविये हैं दिए गए जावियों के जोड़ की पैमाइश कितनी है वो आपको बताना है बहुत हो यहां पर 60 दर्जे का एक जाविया है 120 डिग्री दर्जे का एक जाविया है दोनों जावियों की पैमाइश का जोड़ 180 डिग्री दर्जे होता है बहुत सही कहा आपने अब दूसरी शक्ल में जो जाविया हैं, उनकी पैमाइश को जोड़ते हैं अड़सठ दर्जे और 112 दर्जे दोनों जावियों की पैमाइश का जोड़ जो होता है यहां पर वो कितना है बच्चों 180 डिग्री दर्जे है सही कहा आपने अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर जो जाविया आपको नजर आ रहा है बोर्ड पर वो देखिए कितने दर्जे का है वेरी गुड ये 50 दर्जे का है अब हम इसमें जोड़ते हैं और एक जाव्य को ये जाव्या देखिए कितने दर्जे का है देखिए आप वेरी गुड 130 डिग्री दर्जे का है अब दोनों जावियों की पाइमा को आप जोड़ दीजिए तो आपको कितने दर्जे का जाव्या वहां पर मिलता है हां 180 डिग्री दर्जे का जाव्या वहां पर आपको मिलता है देखिए आप गौर से सुनिए और अपने जहन के दरीचों को खोलकर बैठिए और जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको अच्छी तरह जहन नशीन करने की आप कोशिश कीजिए तो प्यारे बच्चों ये जो बात है जो मैं आप आपको बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए और नोट कीजिए आप एक जाविया पचास दर्जे का है दूसरा दावे एक डिग्री दर्जे का है दोनों जावियों का मजमुआ आपको 180 दर्जे का मिलता है ऐसे जावियों को हम क्या कहते हैं ऐसे जावियों को हम तकनीली जाव्य कहते हैं अंग्रेजी में इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं तो वाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू वन डिग्री देन टू एंगल्स आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स प्यारे बच्चों उर्दू के साथ साथ आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी से भी आश्रा हो जाएं तो आइंदा आपको पढ़ाई में बहुत आसानी होगी तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आप याद रख लीजिए तकमीली जाव्य के लिए है क्या है तारीफ इसकी आप लिखिए अपने नोटबुक में और उसकी तस्दीक यहां पर स्क्रीन पर जो तारीफ है उसके साथ आप मुजना करते हुए कीजिए जब दो जावियों की पैमाइश जब दो जावियों की पैमाइश का जोड़ 180 सौ अस्सी दर्जे हो तो ऐसे जावियों को हम तकमीली जाव्य कहते हैं ठीक है सोचिए और बताइए क्या दो जाव्या एक दूसरे के तकमीली हो सकते हैं आप सोचिए सोचकर बताइए आप ठीक है क्या दो जाविया हद्दा एक दूसरे के तकमीली हो सकते हैं चलिए एग्जाम्पल से हम देखते हैं अब देखिए सबसे बड़ा जो जाविया हद्दा है वो कितने दर्जे का है 89 डिग्री का है शाबाश, बहुत खूब आपने सही कहा 89 डिग्री डिग्री दर्जे का जो जाविया है वो सबसे बड़ा जाव्या हद है अब इसके साथ और एक जाव्या हदा को हम जोड़ देते हैं जो उन दर्जे का है दो सबसे बड़े जाव्या हदे की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है उसको हम देखेंगे कितना होता है बच्चों गोल दो सबसे बड़े जाविया हद्दा की पैमाइश का जोड़ एक सौ अठहत्तर दर्जे होता है तकमीलीवे की तारीफ हमें क्या बताती है तकमीलीवे की तारीफ हमें बताती है कि जब दो जावियों की पैमाइश का जोड़ 180 डिग्री दर्जे होता हो तभी वो दोनों तो जावे तकमीली हो सकते हैं वरना नहीं अब यहां पर दो जाविया हद्दा हमारे सामने हैं ये दो जाव्या हद की पैमाइश का जोड़ हमें कितना मिल रहा है एक सौ अठहत्तर दिन मिल रहा है तो प्यारे बच्चों ये दोनों जो जाव्य हैं ये दोनों जाव्य तकमीलीवे नहीं हो सकते चलिए आगे बढ़ते हैं अब सोचिए और बताइए क्या दो जावे मुनफरज़ा एक दूसरे के तकमीली हो सकते हैं चलिए मिसाल के साथ हम आपकी जवाब की तस्दीक करते हैं एक जाव्या इक्यानवे दर्जे का है आपको मालूम है नौ दर्जे से बड़ा जो जाविया होता है वो जाव्या मुनफरजा कहलाता है अब देखिए इसमें हम जोड़ते हैं अब हम इसमें किसको जोड़ रहे हैं और एक जाव्या मुनफरजा है जो सौ दर्जे का है तो दो जाव्या जो दो जावे मुनफरजा की पैमाइश का जोड़ यहां पर कितना होता है वेरी गुड एक सौ इक्यानो दर्जे होता है अब तारीफ क्या बताती है हमें टेस्टोन क्या है हमारे पास जांचने के लिए कि दिए गए दोनों जाव्य तकमीली हैं या नहीं इसको जांचने के लिए जो टेस्टोन है हमारे पास वो क्या है बोले तो डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स है तकमीलीवे की तारीफ है क्या बताती है वो तकमीलीवे की तारीफ हमें दो जावियों की पैमाश का जोड़ एक दर्जे होना चाहिए अब यहां पर कितने दर्जे है एक सौ इक्यानवे दर्जे है यहां पर एक सौ इक्यानवे दर्जे है दोनों पैमाइश का जोड़ तो ये दोनों जाव्य क्या हैं तकमीली नहीं हैं। तो मतलब यह हुआ कि दो जाव्य मनफर्जा एक दूसरे के तकमीली नहीं होते ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर आप सोचिए और बताइए क्या दो जाव्य कायमा एक दूसरे के तकमीली हो सकते हैं जाव्य कैमा कितने दर्जे का होता है वेरी गुड नव्वे दर्जे का होता है तो यहाँ पर नौ दर्जे का एक जाव्या कायमा लिए इसमें हम जोड़ देंगे किसको और एक जाविया कायमा को वो कितने दर्जे का है नौ दर्जे का है अब दोनों जावियों की पैमाइश का जोड़ कितना होता है वेरी गुड कितना होता है 180 सौ दर्जे होता है तो जब दो जावियों की पैमाइश का जोड़ एक दर्जे हो तो वैसे जावे को हम क्या कहते हैं तकमीली जावे कहते हैं तो दो जाव्या कायमा एक दूसरे के तकमीली होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आपको खुद से करना है दिए गए जायों में से कौन से जावे तकमीली हैं शकल एक देखिए आप फिर शकल दो फिर शकल तीन फिर शकल चार ये चारों अशकाल में आप अपनी नजर दौड़ाइए और एक एक का जवाब देते जाइए आप खुद से कीजिए आपके लिए एक दस सेकंड मैं आपको देता हूं अच्छा तो इसको जांचने के लिए हमें क्या करना है तकमीली जावे की तारीफ को अपने सामने रखना है दो जावियों की पैमाइश का जोड़ एक सौ अस्सी दर्जे होता हो तो वह तकमीली होते हैं अब पहली शक्ल में देखिए आप दोनों जावियों की पैमाइश का जोड़ कितनी है कितना है यहां पे अच्छा अड़सठ दर्जे और एक दर्जे दोनों पैमाइश को जब हम जोड़ देते हैं दोनों को जब हम जमा करते हैं उनका मजमु लेते हैं तो हमें क्या हासिल होता है एक दर्जे हासिल होता है तो मतलब क्या हुआ दो जावियों की पैमाइश का जोड़ यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है एक दर्जे मिल रहा है इसलिए हम इन दोनों जावियों को क्या कहते हैं तकमीली जावे कहते हैं ये जवाब सही है फिर आप दूसरी मिसाल पर गौर कीजिए यहां पर देखिए एक जाव्या कितने दर्जे का है गुड पचासी दर्जे का दूसरा जाविया पैंतीस दर्जे का दोनों को जोड़िए पचासी में पैंतीस को जब आप जोड़ देते हैं पचासी में पैंतीस दर्जे को आप जब जमा करते हैं तो आपको मजमु कितना मिलेगा वेरी गुड एक सौ बीस दर्जे आपको मजमु मिलेगा तो मसावी है एक सौ अस्सी दर्जे मसावी है नहीं है तो दो जावियों का मजमु जब 180 सौ दर्जे नहीं होता तो वो दोनों जावे तक मिली नहीं होते है ना तो यहां पर ये दो जावे तक मिली नहीं है अब तीसरी मिसाल पर गौर कीजिए आप यहां पर देखिए दो जावियों की पैमाइश का जोड़ पचपन और चालीस दर्जे को आप जब जोड़ देते हैं तो आपको पच्चनो दर्जे मिलता है तो यहां पर 180 सौ दर्जे से कम आपको मजमु मिल रहा है इसलिए ये दोनों जाविये भी तक नहीं है तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए दो जावियों का जोड़ एक सौ दर्जे जमा पैंतालीस दर्जे दोनों का मजमु हमें कितना मिल रहा है एक दर्जे तो हमारे सामने तकमीलीवे की तारीफ है क्या है तकमीलीवे की तारीफ दो जावियों की पैमाइश का जोड़ अगर एक दर्जे होता हो तो वह दोनों जावे तकमीली होते हैं आपको मालूम है तो यहां पर दो जावियों का जोड़ कितना हो रहा है एक सौ दर्जे एक सौ दर्जे हो रहा है इसलिए ये दोनों जावे क्या हैं तक मिली हैं। तो यह सही है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर एक फैन है हर घर में फैन है आप इस फैन पर जरा गौर से इसका मुशाहिदा कीजिए यहां पर देखिए एक जाव्या बनता है जाविया एओ सी आप स्क्रीन पर देखिए बोर्ड पर देखिए आप और एक जाविया यहां पर बनता है वो जाविया है ए बी जरा गौर से देखें तो एक बात हमारी समझ में आती है यहां पर दो ही। वो दोनों जावियों का एक मुश्तरिक नुकता है वहां पे देखिए आप ओ तो वो ओ क्या है ओ मुश्तरिक रास है दोनों जावियों की मुश्तरिक रास ओ है और एक स्पेशलिटी है इसकी वो स्पेशलिटी क्या है बोलिए आप अच्छा ओ ए जो है ना स्क्रीन पर देखिए आप ओ ए जो है वो ओ ए मुश्तरिक बाजू है ये दोनों जावियों का तो यहां पर हमें जाविया ए ओ बी और जाविया ए ओ सी मिलता है जिसका मुश्तरिक रास ओ है और मुश्तरिक बाजू ओ ए है इसी तरह से आप एक किताब इस तरह से आप पकड़ लीजिए यहां पर आप देखिए ये किताब को अगर हम इस तरह पकड़ लेंगे अपने हाथ में तो इस किताब के देखिए यहाँ पर दो जाविये बनते हुए हमें नज़र आते हैं देखिए यहाँ पे दो जाविये हमें यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं किताब के वर्फ़ को इस तरह आप पकड़ लीजिए एक जाविया यहाँ पर बनता है ये जाविया है और दूसरा जाविया यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा जाविया है उसका तो दोनों जावियों का एक मुशतरक नुक़ा यहाँ पर है और ये उसका मुशतरक बाजू है और एक चीज़ आपको गौर से दिखनी है वो ये कि इसका कोई भी अंदरूनी नुकता यहां पर देखिए आप ये अंदरूनी नुकता है ना यहां पे ये कोई भी नुकता इस तरह से मुश्तरिक नहीं है अंदरूनी नुकता मुश्तरिक नहीं है इसका तो इस किताब के जरिए भी हम इन जावियों के मुताल मालूम हासिल कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये किताब का ये दरमिया जो वर्क है दरमिया जो हिस्सा है ये दरमिया हिस्सा ये मुश्तरक बाजू है ये गैर मुश्तरक बाजू हैं ये दोनों अच्छी बात है चलो इसके ताल्लुक से हम आगे मालूम हासिल करेंगे तो इस बोर्ड पर आप देखिए यहाँ पर आपको दो जाविया बनते हुए नजर आएंगे एक जाविया डी ए सी है और दूसरा जावा देखिए आप स्क्रीन पर देखिए डी ए बी है दो जावे यहाँ पर हैं एक जाविया डी ए बी और जाविया डी ए सी अब इन दोनों जावियों में एक जो चीज़ है जो काबिल गौर है वो ये कि यहाँ पर नुक्ता ए है ना वो दोनों के लिए मुश्तरिक रास है और ए डी जो बाजू है वो मुश्तरिक बाजू है दोनों आ, जावियों के लिए अब आइए ऐसे जाव्य जिनका मुशतरक रास हो और मुश्तरक बाजू हो और, और एक चीज जो हमने अभी सीखी वो ये कि इनका कोई भी अंदरूनी नुकता मुश्तरक न हो ऐसे जावियों को हम क्या कहते हैं मुतसिल जावे, एडजेंट एंगल्स कहते हैं अच्छी बात है बच्चों तो इसकी तारीफ क्या है आप नोट डाउन कीजिए लिख लीजिए ऐसे जावे जिनका मुशतरक रास और मुश्तरक बाजू होता है ऐसे जाव्य जिनका मुश्तरक रास और मुश्तर बाजू होता है मगर इनका कोई अंदरूनी नुकता मुश्तरक नहीं होता मुतसिल ज़ाव्य कहलाते हैं ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं आप सोचिए और बताइए मुझे इनमें कौन से ज़ाव्य मुतसिल हैं शकल एक में देखिए आप जावैया एक और जावैया दो क्या ये मुतसिल हैं जांचने के लिए हमें क्या करना चाहिए बहुत हो जांचने के लिए हमें क्या करना चाहिए मुतसिल जावे को मुतसिल जावे की तारीफ को अपने सामने रखनी है हमें क्या है मुतसिल जावे की तारीफ दो जावे जिसका रास हो और मुश्तरिक बाजू हो यहां पर देखिए आप ये बोर्ड है आपके सामने स्क्रीन है स्क्रीन पर शक्ल नंबर एक को देखिए आप शक्ल नंबर एक शकल नंबर एक में क्या है शक्ल नंबर एक में दो जावे एक और दो हैं इनका मुश्तरक रास है और मुश्तरक बाजू है इसलिए ये दोनों जाव्य क्या हैं ये मुतसिल जावे हैं सही है अब दूसरी शक्ल में देखिए यहां पर भी वैसे ही है मुश्तरक रास है और मुश्तरक बाजू है इसलिए ये क्या है ये मुतसिल जाव्य की मिसाल है अब तीसरे में देखिए आप गौर से देखिए बहुत सही कहा आपने नहीं है क्यों नहीं है जी बहुत हो वेरी गुड वेरी गुड तो यहां पर देखिए ये जो दोनों जावे हैं जाव्या एक और जाव्या दो ये दोनों जावियों का मुश्तरिक रास नहीं है मुश्तरिक रास नहीं है और मुश्तरिक बाजू भी नहीं है इसलिए मुतसिल जावे नहीं है चौथी शक्ल पर आप गौर कीजिए चौथी शक्ल में हमें यह मालूम होता है कि यहां पर भी एक मुश्तरक रास है और एक मुशतरक बाजू है इसलिए ये जावे भी क्या हैं ये जावे भी मुतसिल जावे हैं ये सही है ठीक है आगे बढ़ते हैं शक्ल नंबर एक पर देखिए आप शक्ल नंबर एक पर आपको क्या मालूम होता है ये मुतसिल जावे की मिसाल है क्योंकि यहाँ पर जावया एक और जाविया दो का एक मुश्तरक रास है और एक मुशतरक बाजु है अब शक्ल नंबर दो में देखिए आप यहाँ पर भी ये मुतसिल जावे की मिसाल है जाव्या एक और जाविया दो की एक मुशतरक रास है और एक मुशतरक बाज़ू है लेकिन यहाँ पर एक ख़ासियत है इसकी क्या है बोले तो ये ख़त मस्तकम पर बनता हुआ हमें नज़र आता है ख़ते मुस्तक पर बनता हुआ हमें नज़र आता है तो एक स्पेशल इसकी यह है कि यह मुतसिल जाविया है लेकिन इसके गैर मुश्तरक बाजू जो हैं वह गैर मुश्तरक बाज़ु मुखालफ समत में हैं है ना मुकाबिल सिमत में एक शुआ इधर सिमत में है एक शुआ इधर सिमत में है तो जो गैर मुश्तरक शुआ हैं गैर मुश्तरक जो बाज़ू हैं वो मुकाबिल हैं तो ऐसे जावे को हम क्या कहते हैं ऐसे जावे को हम खती जोड़ा कहते हैं लीनियर पेर कहते हैं क्योंकि ये ख़ते मुस्तकीम पर बनते हैं इसलिए हे लीनियर पेर खती जोड़ा हम इसको कहते हैं खती जोड़े की तारीफ लिखने की हम कोशिश करेंगे क्या कहती है खतीजोड़े की खती जोड़ा की तारीफ जावियों का ऐसा जोड़ा जिनके गैर मुश्तर बाजू मुकाबिल शुआ हों खती जोड़ा कहलाता है इस तारीफ को आप लिख लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं आप सोचिए और मुझे बताइए खती जोड़ों की मिसालें क्या हैं वेरी गुड पेन स्टैंड खती जोड़ा की मिसाल है तो यहां पर देखिए दो जावे एक खत पर बनते हुए नजर आ रहे हैं एक ये और बोर्ड पर स्क्रीन पर देखिए आप ये दो जावे इसी तरह से सब्जी काटने का बोर्ड वेरी गुड सब्जी काटने का बोर्ड भी क्या है ये खती जोड़े की मिसालें हैं तो यहां पर देखिए सब्जी काटने के बोर्ड पर भी हमें दो जावे बनते हुए नजर आते हैं एक जाव्या और एक जाव्या तो खत खत पर दो जावे यहां पर बनते हुए हमें नजर आते हैं अब यहां पर देखिए अ दो खतूत अब यहाँ पर हम दो पेंसिल ले लेंगे यहाँ पर देखिए ये दो पेंसिल ये दो पेंसिल क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कता करते हैं ये दोनों पेंसिल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कता कर रहे हैं इस तरह से तो दो पेंसिल या दो खतूत जब कता करते हैं तो नुक्ता तक तकाता पर हमें चार जाव्य बनते हुए नज़र आते हैं तो यहाँ पर देखिए जाविया एक आप स्क्रीन पर अपनी नज़र दौड़ाइए फिर उसके बाद जाव्या दो फिर देखिए आप जाविया तीन फिर देखिए आप जाविया चार तो इस तरह से चार जावे हमें वहाँ पर नज़र आते हैं तो ऐसे जावियों को हम क्या कहते हैं मुतकाबिल राशि जाविये कहते हैं तो एक रास जाविया एक है जाविया एक की मुतकाबिल रास कौन सी है जाविया तीन है फिर जाविया दो की जाविया चार जाविया चार की जावया दो इस तरह से ये नुकते तकाता पर चार जावे बनते हैं इन जावों को हम मुतकबिल राशि जावे कहते हैं जावे एक का मुतबिल रास जावे तीन है ठीक इसी तरह से जावे दो का मुतबिल रास जावे चार है तो जब दो खतूत एक दूसरे को काटते हैं तो मुकाबिल बनने वाले राशि जावे कहलाते हैं ठीक है और एक बार आप तारीफ को आ, अच्छी तरह से समझ लीजिए और नोट डाउन कीजिए जब दो खतूत एक दूसरे को काटते हैं जब दो खतूत एक दूसरे को जब ये काटते हैं तो मुकाबिल बनने वाले राशि जाव्य अब यहाँ पर देखिए ये एक जाव्या ये एक जाव्या इधर एक जाव्या और इधर एक जाव्या ये मुतकबिल राशि जाव्य कहलाते हैं इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर देखिए आप ये दो पेंसिल एक दूसरे को कता कर रहे हैं ये पेंसिल क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कता कर रहे हैं तो नुक़ः तकाता पर यहाँ पर हम जाव्या एक जाव्या दो जावया तीन और ये जावया चार बनते हुए हमें यहां पर नजर आएंगे तो जाव्या एक का मुकाबिल रास यहां पर देखिए ये जाव्या एक है जाव्या एक का मुकाबिल रास जावया तीन है ठीक है फिर जाव्या दो का मुकाबिल रास जाव्या चार है तो जब दो खतुब एक दूसरे को इस तरह से काटते हैं तो ये मुकाबल बनने वाले राशि जाव्य क्या कहलाते हैं बच्चों वेरी गुड ये मुतकाबिल राशि जावे कहलाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं हम सोचिए मुतकाबिल राशि जावे की मिसालें क्या हैं कैंची है और मेज के पैर हैं आप यहां पर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे मेज के पैर और मेज के पैर और कैंची नजर आ रहे हैं यहां पे बोर्ड पे स्क्रीन पर आप देखिए कैंची और ये मेज़ के पैर क्या हैं ये मिसालें हैं राशि जावे की ये कैंची है ये मुतकाबिल राशि जावे की मिसाल है जो रोज़मर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती है यहाँ पर देखिए ये ये जावे का मुतकाबिल मुतकबिलविया कौन सा है ये है ये जावे का मुतकाबिल राशि जाविया ये है इस जावे का मुतकाबिल राशि जाविया ये है इसका मुतकाबिल राशि राशाव्या ये है ठीक है अच्छी बात है तो इसको समझने की आप कोशिश कीजिए ऐसे बहुत सारी मिसालें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें मिलती हैं आप इनकी फहरिस्त तैयार करके अपने उस्ताद को बताइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमने अभी मालूम किया कि मुतकबिल राशि जावियों की मिसालें क्या हैं कैंची मेज़ के पैर वग़ैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे मिसालें हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलती हैं अब यहाँ पर एक सरगर्मी है वो ये कि आप क्या करो एक सफ़ेद कागज़ ले लो सफ़ेद कागज़ पर आप इस तरह से खतूत खींचिए एक ख़त खींचिए आप उसको यल नाम दीजिए फिर दूसरा ख़त खींचिए आप उसको यम नाम दीजिए ठीक है इसी तरह से आप क्या कीजिए यहाँ पर देखिए आप जाव्या एक जाव्या दो जाव्या तीन और जाविया चार की निशानदही कीजिए तो शक्ल में देखिए आप शक्ल पर शक्ल को बग़ौर देखने से हमें मालूम होता है कि जब दो खतूत एक दूसरे को क़ता करते हैं तो वहाँ पर नुक्ता तकाता पर हमें चार मुतकबिल राशि जावे मिलते हैं तो इस तरह से आप एक खत पर ड्रॉ कीजिए इसको उतारिए फिर आप क्या कीजिए एक नकल कागज लेकर एक ट्रेसिंग पेपर लेकर उस पर मुंतबक कीजिए आप उस पर मुंतबक करते हुए आप क्या कीजिए उस पर भी इसी तरह से यल खत यम ख़त खींच कर जवा एक ज़ावे दो ज़ावे तीन और ज़ावे चार की क्या कीजिए आप निशान दही कीजिए निशानदही करके उस पर आप मुंतबक कीजिए ओवरलैप करके रख दीजिए इस तरह से ओवरलैप कीजिए कि यल ख़त यल खत पर हो यम ख़त यम खत पर हो जावया एक जावया दो जावया तीन जावया चार वो एक दूसरे पर मुंतबक हों इस तरह से आप क्या कीजिए ये सरगर्मी अपने घरों में अंजाम दीजिए हम यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं अब उसके बाद क्या कीजिए आप एक पिन को वहाँ पर फिक्स कीजिए करके आप अब एक खत को क्या कीजिए 180 सौ दर्जे तक आप घुमाइए इस तरह से आप घुमाइए अच्छा तो यहां पर घुमाने पर हमें एक बात मालूम हुई क्या मालूम हुई जाविया एक जाव्या तीन पर मुंतब होता है जाव्या तीन जावया एक पर मुंतब होता है जाव्या दो जाव्या चार पर मुंत होता है जावया चार जाव्या दो पर मुंतब होता है ठीक है बच्चो तो इस तरह से हमें एक बात समझ में आती है वो ये कि मुतकाबिल राशि मसावी होते हैं तो आगे बढ़ते हैं आप खुद से कीजिए आप यहां पर दी गई तस्वीर में अगर एक तीस दर्जे है तो जाविया दो और जावे तीन मालूम कीजिए आइए अब बारी है होमवर्क की तस्वीर में झील को पहचानिए तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है पहला मुतसिल जावे के पांच जोड़े क्या हैं वो पहचानिए है। तीन खती जोड़िए और मुतकाबिल राशि दावियों के दो जोड़ों को आपको क्या करना है शनाख्त करके लिखना है और लिखकर इसकी जांच अपने उस्ताद से करवाना है आपका बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया मैं मोहम्मद इसहा टी जी टी गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल सिरसी ए ताल्लुका व ज़िला बिदर आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं रख देता हूँ अल्लाह हाफिज़